37 मिलियन सब्सक्राइबर्स इज नॉट अ जोक, और वो भी किसी गेमर के। भाई सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया में गेमिंग में इतना बड़ा करियर बन सकता है। लेकिन ये जितने भी आजकल के गेमर्स हैं ना, टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमर्स, स्काउट, कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान और बाकी जितने भी माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स हैं, भाई सच में ये लोग ना इज्जत बचा रहे हैं। अब जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, गेमिंग ऐसा करियर इंडिया में भी बन सकता है, काश मेरी फैमिली और आप सभी की फैमिली भी मान ले और हम सभी को एक अच्छा सा गेमिंग सेटअप दे दे, बेसिक वाला, चाहे मैं ये नहीं बुरा लाखों का, एक बेसिक दे दे ताकि एक चैनल खोल तो ले यार। अब देखो यार, गेमिंग चैनल मेरा भी है लेकिन मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गेमिंग सेटअप नहीं है। एक फुद्दू सा लैपटॉप है जिसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं, तो मैं क्या ही गेम करके स्ट्रीम करूं। एनीवेज भाई, अज्जू भाई का आज फेस रिवील है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फेस रिवील है आफ्टर ड्रीम, क्योंकि ड्रीम तो यार बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, वो भी माइनक्राफ्ट का। ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है। फेस रिवील देखते हैं भाई अज्जू भाई का कैसा है। टीजर पे मैंने रिएक्ट किया था भाई, पूरी नेटफ्लिक्स की मूवी लग रही थी। चलो यार फटाफट से देखिए कैसा है। ओ, डिस्क्लेमर दे रखा। हाय, मैं अज्जू भाई, मेरी आवाज तो पहले सुनी होगी। ऑफ कोर्स। और भाई वो भी फ्री फायर ने इस बंदे को बनाया, मानना पड़े। नो माइनक्राफ्ट नथिंग, फ्री फायर। ओ भाई, आउट ऑफ द बॉक्स। ओहो, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंटेल, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांडिंग है भाई, इतना बड़ा है गेमर तो होगा ही। अभी तक आपने मुझे एफपीवी में देखा है, आज मैं तुम्हें अपना पीओवी दिखाता हूँ। ओके। वाओ, क्यों बे? हमारी कंप्लेन करेगा? हाँ, मैंने गलत चीज देखी, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, तो क्या गलत किया? अच्छा, कंप्लेन? किसकी कंप्लेन की थी इसने? कुछ हुआ था क्या इसके गेमिंग सीन में? ओके। अरे क्या हो रहा है वहां पे? ओह नो, चल 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 चल, ऊपर भाग भाग भाग, चल ना भाग रहे हो। और मैं भी शायद अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बता रहा होगा कि वो स्कूल लाइफ में बहुत बुली होता होगा, इसलिए है ना, वही बता रहा होगा क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी यार। तुमसे कितनी बार कहा है कि इनसे दूर रहो? हाँ, वही है, वही क्यों भिड़ते रहते हो? सर, लाइफ में धक्का मार के गिराने वाले तो बहुत मिलेंगे, बस उनके सामने खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाय, क्या बात है। द गुज्जू एक्सेंट दिस गाय हैज ना भाई, बहुत मजा आता है सुनने में। अच्छा भाई, क्वाड्री लेफ्ट में क्या कर रहे हो यार, जल्दी। नाइस। अज्जू भाई आए इन्फॉर्म, सबकी बोलती हो गई बंद। कुछ राइमिंग नहीं बना ना? अरे नहीं बना राइम यार, अज्जू भाई क्या बोल रहे हो? अज्जू भाई आए इन्फॉर्म, दुश्मन पहुंचे सीधे हो। हैकर है भाई, हैकर भाई नहीं हो रहा है, हैकर भाई हैकर। हाँ अज्जू बेटा, गेम खेल रहा था ना? हाँ पापा। पूरा दिन फोन पे नहीं रहते बेटा, अच्छा करो। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फैमिलीज को पता ही नहीं भाई गेमिंग में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आज वही पापा बोल रहे होंगे मैं कहां रोकता था अपने बेटे को, और आज अपना बेटा करोड़ों में खेल रहा है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ओ माय गॉड, परिवार में सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बेटा तेरे को जो करना है ना, सोच समझ के करना। माँ बाप तो हमेशा ही हौसला देते हैं, बट भरोसा तब होगा जब हम कुछ करके दिखाएंगे। यस। Wow. भाई क्या ही फेस रिवील वीडियो बनाई है, इतनी अच्छी तो ड्रीम की भी नहीं थी, क्योंकि ड्रीम ने तो सिर्फ ऐसे कर दिया था, ये तो प्रॉपर सिनेमैटिक वीडियो है यार। आने दो, चाहे
किसी भी बहाने से, हार नहीं मानूंगा मैं मुश्किलों के आने से, खेल के दिखाऊंगा मैं जीत के दिखाऊंगा, और जीत की सारा को रिपीट पे लगाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा बस आगे बढ़ता जाऊंगा। देखो भाई, इन लोग की वजह से गेमिंग एक्चुअली ग्रो हो रही है, ई स्पोर्ट्स वालों की वजह से, जो अपने अपने गॉड लाइक और S28 सोल खोल के बैठे हुए हैं। अच्छी चीज़ है, बिकॉज गेमर को चांस दे रहे हैं। टेक्नो गेमर्स हर एक टाइप की गेम खेलता है, ट्रिगर्ड इंसान, टोटल गेमिंग, तो भाई मज़ा आ रहा है। मैं तो बोलता यार सारे गेमर्स को ना हर टाइप का गेम खेलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो 5 साल से एक ही गेम खेल रहे हैं। नहीं भाई, थोड़ा दूसरा भी खेल लो, थोड़ा गेमिंग इंडस्ट्री में थोड़ा वेरिएशन भी लाओ ना, सैचुरेशन आ जाएगा फिर क्या करेंगे, तो वो एक बात है। कब तक गेम खेलेगा, कोई ढंग की नौकरी कर ले, गेमिंग से फ्यूचर नहीं बनता, पैशन से पेट भी नहीं भरता बेटा। मेरे माँ बाप को मुझ पे भरोसा है और मुझे मेरे पेशन। भाई मेरा भी पूरा ऐसा भरोसा है कि अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपना गेमिंग सेटअप के लिए, एक बार मिल गया तो भाई मैं रेगुलर हो जाऊँगा गेमिंग चैनल में, उसके बाद भी फटाफट से 100K हिट करने, भाई मुझे भी अपने हेटर्स को दिखाना है। वाह, हेडशॉट, फट से हेडशॉट। मास्क हटाओ भाई। अरे अज्जू भाई, भाई अज्जू भाई तो डर बहुत रहे थे ना कि मतलब फेस दिखाओ, यानी ऐसे डर रहे थे, पता नहीं क्या है। लेट्स सी भाई फेस कैसा है, दिल दे धक-धक हो रहा है भाई। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स ब्रो, इतना बुरा चेहरा तो है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा चेहरा है, लुक स्मार्ट, इतना डर क्यों रहे थे भाई, ये तो ऐसे डर रहे थे तो बंदर जैसा चेहरा हो, ये लुक्स वेरी स्मार्ट यार, फालतू में डर रहे थे पहले ही कर देते फेस रिवील यार। हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया। अजेंद्र वरिया, आप सभी का स्वागत है मेरी रियल लाइफ। अच्छा, उसका अज्जू भाई भी रियल नेम नहीं था, अजेंद्र क्या, अजेंद्र व्हाट? मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया। अजेंद्र वरिया, और आप सभी का स्वागत है मेरी रियल लाइफ में, आओ साथ में खेलते हैं। टोटल गेमिंग 2.0 आई थिंक अब प्रॉपर इसका अब कम बैक आने वाला है, क्योंकि जब से फ्री फायर टपक गया तो ऑब्वियसली थोड़ा रीच भी कम होता है ना, तो आई थिंक अब ये प्रॉपर फेस कैम वीडियोस बनाएगा, तो आप सभी टोटल गेमिंग फैंस के लिए और हम सब के लिए तो अच्छी की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि यार फेस कैम वीडियो का अलग मजा आता है, क्योंकि रिएक्शन और एक्शन जब दिखते हैं ऑडियंस को तो मजा आता है, राइट? भाई वन हेल ऑफ अ फेस रिवील, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, एकदम से बस हुडी उतारी और मास्क नीचे कर, हेलो मैं अज्जू भाई, अच्छा चेहरा है भाई तुम्हारा, पहले ही कर लेते 2-3 साल पहले, क्या ही प्रॉब्लम थी। आई थिंक अभी भी यंग है, क्योंकि फेस से यंग ही लग रहा है, साला मैं ही एज में बहुत बड़ा हो गया सबसे, तब मुझे यंग लगते रहते हैं, बट एनीवेज कोई बात नहीं, सबको मैं अपनी एज नहीं बताता क्योंकि अभी तक मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, अपनी एज बताऊंगा सब बोलेंगे आए हाय इतनी एज तक पहुंच गया अभी तक लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, इसलिए रियल एज नहीं बताता, एक दिन अगर कुछ उखाड़ लूंगा तो फिर बता दूंगा अपनी रियल एज भाई, बस यही है। मजा आ गया भाई मेरे को तो, भाई इसको तो फुल एंड 5 में से 5 देंगे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने, अपना ओपिनियन मुझे बता देना, और गाइस प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं हो जाऊंगा एक्टिव, रेगुलर हो जाऊंगा अपने चैनल पे, सॉरी हो जाऊंगा, पक्का होऊंगा, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।